अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक फॉर सेकंड डे। हाँ जी, आज का जो मेरा प्लान बना हुआ है ना, वो बना है बहरीन फोर्ट का। अच्छा, तो ये बहरीन फोर्ट डिसाइड करने का पर्पज़ कुछ खास नहीं, बस ये कि ज़रा टाइम पे पहुंच जाऊंगा और टाइम पे वापस कंपनी का अकोमोडेशन में, और नेक्स्ट डे के लिए फिर ड्यूटी के लिए तैयार। तो लिहाजा मेरे साथ रहिए, मज़ा आएगा। ये ले जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पता नहीं कौन कौन सब ने अपना ही वर्ल्ड कप यहाँ पे शुरू कर लिया है। जीतने वाले सभी हैं। मैंने जब बहरीन की पहली दफ़ा ये बस सर्विस, रेड बस सर्विस हाफला यूज़ करनी शुरू की, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, चेक कीजिएगा, तो मुझे ना बड़ा ही अजीबोगरीब लगा था इनका ये रूट मैप, इनका ये ट्रैवल सिस्टम ना। हालांकि दुबई या अज़रबैजान का बड़ा स्टैंडर्ड, बड़ा एडवांस किस्म का था, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लोकल टाइप, देसी टाइप, मैनुअल टाइप सा लगा। लेकिन जैसे जैसे कि मैं इस चैनल पे बहरीन को घूम फिर रहा हूँ आप लोगों के साथ, खुद भी तो उनके ये ट्रांसपोर्ट डेली बेस में यूज़ भी कर रहा हूँ किस्म की, तो मुझे अब ये काफ़ी जो है ना अपने बजट फ्रेंडली बजट लग रही है। यानी जो उन मुल्कों की तरह जो एक्सपेंसिवनेस है ना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यानी रिलैक्स अब मुझे लगने लग पड़ी है, इनकी सीटें भी अब मुझे रिलैक्स लगने लग पड़ी है। साफ सुथरा बस स्टैंड, अल्हम्दुलिल्लाह माई बस अराइव। अच्छे कॉन्टैक्ट के ख्यालों में नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया। बागात के बगैर किले अधूरे, और ये पगडंडी हुकूमत ने बनाई है, बादशाहों ने नहीं बनाई, क्योंकि तब इतने पक्के रोड शायद ही हुआ करते थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बीफ और बहरीन लॉग ने सिर्फ आपके लिए दो ज़मानों को एक ही वीडियो में यकजा कर दिया। देखिए जी, नया और पुराना दौर। इस 4500 साल पुराने किले की रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी यूनेस्को के पास है। हाँ जी, 17.5 हेक्टर रकबे पर फैले इस मुकाम को बहरीन का कदीम तरीन मुकाम करार दिया गया है जी। इस मुकाम पर पहली खुदाई 1954 और 1972 के दरमियान डैनिश आसार कदीमा की मुहिम के ज़रिए की गई थी, जिसकी क़्यादत जेफरी बैनी ने की थी, और मोसगार्ड के म्यूज़ियम के जानब से 1954 और 1972 के दरमियान। इस साइट का नाम कलातुल बहरीन है, जो बहरीन में कदीम तरीन तकरीबन 2300 कबल मसीह साल पहले वजूद में आया, और इसको टोटल अब 4500 साल हो चुके हुए हैं। दरअसल कलातुल बहरीन जो है ना, एक पुरानी तहजीब दिलमोन की दारुल हुकूमत था, और ये कदीम लाइट हाउस है जो समुंदरों में बहरी जहाज़ों को रास्ता फराहम करता था। इब्तदाई दौर यानी तीन कबल मसीह से लेकर पहली कबल मसीह तक, ये वादी सिंध के बहरी जहाज़ों को और मेसोपोटामिया जैसी तहजीबों के बंदर बहरी जहाज़ों को जो है ना एक बेहतरीन तजारती मरकज़ हुआ करता था, यानी एक बिज़नेस हब, बहुत बड़ा बिज़नेस हब। फिर इस दौर के बाद ही इसने बहरा रोम और चीन के बहरी जहाज़ों को भी जो है ना लंगर बर्दारी का भी मौका दिया। यहाँ पर ठीक ठाक तजारती बहरी जहाज़ आया करते थे, और यहाँ पे एक अच्छी खासी तजारती लेन देन चला करती थी। ये शानदार बिज़नेस हब, ये एक शानदार बंदरगाह 16वीं सदी तक कारामद और फाल रही। बहरीन में बच्चों फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे विजिटिंग पॉइंट हैं। आज के ये नए बहरीन के समुद्री साहल को देख के अंदाज़ा तो नहीं लगता कि ये 4500 साल पहले कितना अरूज याफ्ता हुआ करता था, लेकिन खैर जो भी है, 4500 साल पहले के बहरीन
के साहल की और आपके साहल की براہ راست گارڈنگ بی فور بحرین لاگ پہ آپ کے سامنے میرے چینل سے انفارمیشن کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کا بھی آپ کو باخوبی اندازہ ہوتا ہوگا ہوئے سوری ویورز آج میں آپ کو آدھا بلاگ دکھا سکا کیونکہ آج بند تھا سوری پلیز